नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। महिला ग्राम सेवक को उनके निवास स्थान से 15,000 रुपयों की रिश्वत लेते गिरफ्तार करने की खबर सामने आई। प्रलंबित बिल अदा करने के लिए मांगी थी रिश्वत। यह घटना सिंदखेड़ की होकर जानकारी है कि धुले जिले के चौगान बुद्रुक के ग्राम पंचायत महिला ग्राम सेविका राजभाई पाटिल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके निवास स्थान से रंगे हाथ पकड़ा और अपराध दर्ज किया। चंद्रपुर शहर में पैसे चुराने के लिए चोरों ने अपनाई नई तरकीब का पुलिस ने किया पर्दाफाश। एटीएम को सिल्वर रंग की पट्टी लगाकर पैसे चुराने वाली टोली को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो विधि संघर्ष बालक यानी नाबालिग और एक आरोपी का समावेश है। माता के नागरिकों ने कोरपना पुलिस थाने में दी दस्तक। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती में दो गुटों में हुए विवाद के बाद शांति भंग करने वालों पर अपराध दर्ज करने की मांग। विवाह से पहले का प्रेम प्रकरण कहीं ससुराल में ना पता चल जाए, इस डर से कौशल्या उर्फ कोमल चोपड़े नामक महिला ने अपने 6 साल के बेटे प्रणव गणेश चोपड़े की निर्मम हत्या कर दी और खुद ने भी विष प्राशन कर लिया। यह दिल दहला देने वाली घटना सोलापुर के माढ़ा तहसील के कुर्डुवाड़ी से सामने आई है। यावल तहसील किनगांव खुर्द में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मौके पर निकाली गई रैली के दौरान हुआ विवाद, जिसमें यावल पुलिस थाने में 11 लोगों पर अपराध दर्ज किया है। पत्नी की हत्या करने वाले पति को स्थानीय अपराध शाखा ने किया गिरफ्तार। गौरतलब है कि पति पत्नी में हुआ विवाद, जिसके चलते पति ने पत्नी को घायल कर दिया। पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद फरार आरोपी पति को यवतमाल पुलिस ने धर दबोचा। मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर जाने की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक बल्लाशाह रेलवे स्टेशन पर अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से सीमेंट लेकर एक मालगाड़ी दोपहर करीब 12:15 बजे अहमदनगर की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ, जिसे रेलवे प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है। बल्लारपुर से तेलंगाना राज्य में रेलवे से अमली पदार्थ की यातायात करते वक्त 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस कार्रवाई में करीबन 94,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया। 57 वर्षीय दिवाकर मनोहर उमाटे नामक व्यक्ति गांव के पास स्थित नाले में मछलियां पकड़ने गया, तभी घात लगाए बैठे बाघ ने उस पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह घटना बल्लारपुर शहर के बामनी बेघर के अमित नगर की है। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में अति खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।